हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल अवनीश इंद्रम। मैं अवनीश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं मुजफ्फरपुर के कांटी में आया हूँ। छिन्नीभस्त्रिका मंदिर जो है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो में। यहाँ पर डीजे बजाना सख्त मना है क्योंकि यहाँ के पुजारी जी को हृदय रोग है, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यह मंदिर तंत्र विज्ञान पद्धति पर आधारित है और यहाँ के कैंपस देख सकते हैं फ्रेंड्स। पीने के लिए पानी है, अपनी गाड़ी एवं सामान की सुरक्षा खुद करें, ऐसा लिखा गया है। और कुछ यहाँ के नियम है, यहाँ पे वीडियो करना अलाउड नहीं है, फ़ोटो भी लेना अलाउड नहीं है। और चुरा के इस मंदिर का वीडियो और फ़ोटो मैं लिया हूँ आप सबके लिए। बहुत डिमांड था आप लोगों का, जो भाई आप छिन्नीभस्त्रिका मंदिर का कांटी में जो है, मुजफ्फरपुर कांटी में, उसका वीडियो बनाओ, तो वो मैं आप लोगों के लिए बना दिया हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। प्रसाद दुकान है ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, और उसके ऊपर धर्मशाला है। यह ट्रस्टी मंदिर है और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ का मानना है कि आप सच्चे दिल से जो मांग लो वो पूर्ण होता है। और जितना भी ये जो खिड़की पर देख रहे हैं, ये नारियल बांधा हुआ है और मनोकामना जिस श्रद्धालुओं का माना रहता है वो यहाँ पे आके नारियल बांधते हैं इस खिड़की पे। और ये कुछ इस टाइप का है माँ छिन्नीभस्त्रिका देवी मंदिर का दृश्य, बाहर से कुछ इस टाइप का दिखता है। और अभी मैं जस्ट अंदर लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स और वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। इस मंदिर में कुल 12 हवन कुंड हैं और ये सबसे बड़ा हवन कुंड है, 13वां हवन कुंड ये था। और ये यहाँ पे प्रसाद मिलता है मंदिर के कैंपस में, यहाँ पे प्रसाद मिल जाएगा आपको। इसमें आपको फूल, अगरबत्ती और माता काली के चढ़ावे में जितने भी श्रृंगार की सामग्री जो यूज होती हैं प्रसाद की रूप में, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रसाद। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मंदिर के अंदर का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे महात्मा आनंद प्रियदर्शी जी का ये समाधि लिया गया था, वो भी मैं दिखाया हूँ और सारा कुछ दिखाऊँ। जस्ट मंदिर में आप इंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में गणेश जी और हनुमान जी की मूर्ति है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे मन्नत मानने श्रद्धालुओं की ये चढ़ावा चढ़ा हुआ है इस मंदिर में। और यहाँ पे एक शिव जी का भी मंदिर है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रतिमा सिद्धपीठ ये मंदिर है। और यहाँ के देख सकते हैं शिव जी कुछ ऐसे हैं और बहुत बड़ा इनका चबूतरा है नीचे का। इस भोला बाबा में कुल 3 सांप लगाया गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे करीबन एक दिन में 20 से 25 हज़ार श्रद्धालु आते हैं इस मंदिर में और अपनी मनोकामना मांगते हैं, और जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो इस लोहे के खिड़की में
नारियल बांधते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने श्रद्धालु आए होंगे, आप समझ सकते हैं, जस्ट अमेजिंग फ्रेंड्स। श्रद्धालुओं के रखने के लिए, अगरबत्ती रखने के लिए ऐसा बारा बनाया गया है हवन कुंड जैसा, और सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ राधा कृष्ण जी का मूर्ति प्रतिमा, जो मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठित है। यही यहाँ का मंदिर है और माता की प्रतिमा है, माता छिंदमस्तिका देवी मंदिर की यही मूर्ति है। देख सकते हैं फ्रेंड्स माता का मुंड कट के माता के हाथ में ही है, और कितने श्रद्धालु हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पे आके सोना चांदी हीरा सारा कुछ जो मन्नत रहता है माने रहते हैं वो यहाँ पे आके माता को चढ़ाते हैं। और हम लोगों ने भी पूजा यहाँ पे किया है, स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ जूम करके। बहुत ज़्यादा भीड़ था फ्रेंड्स, इसलिए चूड़ा के वीडियो बनाया हूँ मैं। और ये देख सकते हैं महाकाली भैरव, महाकाल भैरव का ये मंदिर है, और ये फिर से एक हवन कुंड है, और ये माँ बंगला मुखी मंदिर है, ये माँ बंगला मुखी जी हैं। माँ भैरवी माता हैं, माँ कमला व मातंगी माता है, माँ षोडशी माता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स माँ काली जी की ये मूर्ति है, सारा कुछ मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। और देख सकते हैं माँ भुवनेश्वरी माता जी का ये मंदिर है, इसमें कुल दो फ्लोर है और दोनों फ्लोर में सारे माताओं का मूर्ति है। महाकाली भैरव जी का मंदिर है, माँ तारा जी का मंदिर है। देख सकते हैं फ्रेंड्स माँ तारा जी कुछ इस टाइप की हैं, ये मूर्ति देख सकते हैं फ्रेंड्स। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी महासरस्वती जी का है ये पिंड, और मैं आपको नीचे लेके चल रहा हूँ। प्राण प्रतिष्ठित पिंड स्वरूप माँ भवानी जी का मंदिर है। माँ भवानी भगवती जी का है,
फाइनली फ्रेंड्स वीडियो को करता हूँ क्लोज। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।